हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, हरियाणा के भूगोल के बारे में, और ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है और भी बहुत सारी चीजें कि भाई हरियाणा कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर राज्य और यूटी को मिलाए। आप फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है जिसमें जसवीर सिंह जी ने ये बताया था कि हरियाणा को मिट्टी के आधार पर किस तरीके से उन्होंने 6-8 भागों में बांटा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना भाग 2। मैं एक बार मार्कर ले लेती हूँ। इन्होंने हरियाणा को मिट्टी के आधार पर 8 भागों में बांटा और सबसे पहला भाग रखा शिवालिक का मैदान। आप सभी को पता है मोरनी की पहाड़ियां भी है, मोरनी हिल्स है हमारे यहाँ पे, शिवालिक भी है, अरावली का मैदान भी है। तो इन चीजों के आधार पर सबसे पहला आया शिवालिक का मैदान। आप सभी को ये पता होगा कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं या शिवालिक का जो मैदान है वो कौन से हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में जिसमें हमारा पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 राज्य आते हैं, वहां पर है शिवालिक के मैदान। यहाँ से निकलने वाली या यहाँ पर जो नदी बहती है, निकलने वाली नहीं, यहाँ पर जो नदी है शिवालिक के मैदान में, घग्गर नदी, सरस्वती नदी और टांगरी नदी, 3 नदियों का नाम आता है। 2 भागों में बांटा गया इस मैदान को। निम्न भाग की जो ऊंचाई है वो है 400 से 600 मीटर की और जो उच्च भाग की ऊंचाई है वो है आपकी अबव 600 मीटर, मतलब 600 मीटर के ऊंचे का क्षेत्र जो आएगा। शिवालिक के मैदान की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है मोरनी पहाड़ी, मोरनी हिल्स, और मोरनी हिल्स के अंदर एक चोटी है आपकी, एक पीक है जिसे कहते हैं करो। करो जो आप हरियाणा की भी सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो। मोरनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है 1514 मीटर, करो आता है इसमें। शिवालिक का मैदान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में हमारा पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया और यमुनानगर हो गया। इसी के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, निम्न भाग की ऊंचाई 400 से 600 मीटर और उच्च भाग की ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा के बीच में। फिर ये इसी के अंदर मोरनी हिल्स आती है, मोरनी की पहाड़ियां आती है और मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो करो है, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। ये है शिवालिक का मैदान। सेकेंड नंबर पर आपका आता है गिरिपाद के मैदान। गिरिपाद श्रेणी ये दक्षिण में है और यहाँ से यमुना नदी से घग्गर नदी तक, ये इसमें कौन कौन से आपके जिले आते हैं, यमुनानगर आता है, अंबाला आता है, पंचकुला आता है, सेम यहाँ पर आते हैं। 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तारित है ये मैदान। इसकी ऊंचाई है 300 से 400 मीटर के बीच। ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC में पूछा गया कि घर या कंघी किसे कहते हैं। स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में गिरिपाद के जो मैदान है उनको घर या कंघी कहा जाता है। ये कम उपजाऊ भूमि होती है क्योंकि यहाँ से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता, जलोढ़ के मैदान नहीं बनते। जलोढ़ का मैदान वो होता है जब नदियां अपने साथ नया पानी बहाकर लाती है और उस पानी में जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो रह जाती है बाढ़ के मैदानों में, उसे कहते हैं उपजाऊ मिट्टी। ये कम उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है घग्गर है, मारकंडा है। अच्छा, ये नदी जो गड्ढे बना देती है, मतलब नदी का प्रवाह जो मिट्टी के गड्ढे बना देता है, उसको चू या चो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शुरू से एक बार कर देते हैं। यह श्रेणी दक्षिण में गिरिपाद मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी तक फैली हुई है। यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, इसमें 3 जिले आते हैं। 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तारित है। इसकी ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। स्थानीय भाषा में गिरिपाद के जो मैदान है उनको घर या कंगी कहा जाता है। घग्गर और मारकंडा यहाँ की मुख्य नदियां हैं। इन नदियों के गड्ढे जो बन जाते हैं या बाढ़ के मैदान से, बाढ़ के नहीं, इन नदियों के द्वारा जो गड्ढे बनाए जाते हैं उन्हें चू या चो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में गिरिपाद के मैदान को घर या कंगी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ की जो मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, वो आपको पता होना चाहिए। गिरिपाद क्षेत्र में अरावली तक यमुना और घग्गर नदियों के बीच में फैला उच्च भूमि का मैदान है। ये आपका निम्न भूमि का है, 300 से 400, ऊपर भी पड़ा हुआ 400 से 600, जब निम्न में आता है तो ये भी निम्न भूमि का है।
यहाँ पर गिरिपार क्षेत्र में अरावली तक और यमुना और घग्गर नदी के बीच फैला हुआ उच्च भूमि का मैदान है। यहाँ पर ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। नदी कौन कौन सी है? मारकंडा नदी है, यहाँ पर सरस्वती नदी है, यमुना है, घग्गर है और चोटांग नदी है। ठीक है जी, ये पांच नदियां हैं इसमें। इसमें जिले आएंगे आपके अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। जलोढ़ के मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर खेती अच्छी होती है। नदियों के द्वारा नया पानी बहाकर लाया जाता है और इस पानी के साथ जो मिट्टी बहकर आ जाती है जो कि हमारी फसल के लिए काफी उपजाऊ होती है। नंबर चार पे बात करेंगे बाढ़ के मैदान। हरियाणा के पूर्वी किनारे में यमुना नदी है जो कि यमुनानगर से लेकर और पलवल तक यमुना नदी के द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान है। मतलब यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है, हमारी बारहमासी नदी होती है, इसमें हमेशा पानी रहता है। जब भी ओवरफ्लो होता है पानी तो यमुना नदी का नाम जरूर आता है। ऐसे ही घग्गर नदी के द्वारा उत्तर पश्चिम में पंचकुला से सिरसा तक है। दलदल मैदानी क्षेत्र है, दलदले क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैदानी भाग है वो दलदल है वहां पे। अच्छा, यहाँ पर एक याद रखिएगा, घग्गर नदी का जो क्षेत्र है उसे नैली कहा जाता है और मारकंडा नदी का जो क्षेत्र है उसे बेट कहा जाता है। दोनों ही ये जो वर्ड्स हैं ये उठा के पूछता है हमारा आयोग, बेट किसे कहा जाता है, बेट बोलो या फिर नैली किसे कहा जाता है। घग्गर जो क्षेत्र होता है, घग्गर नदी के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसे नैली कहा जाता है और बेट कहा जाता है आपका मारकंडा। बाढ़ के मैदान यमुना नदी बनाती है। हरियाणा के पूर्वी किनारे में यमुनानगर से लेकर पलवल तक यमुना नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान है या क्षेत्र है। फिफ्थ नंबर पर आता है आपका बालू के टिब्बे। बालू के टिब्बे याद आते ही हमारे सामने आ जाता है रेत के टिब्बे, रेत के पहाड़। जो मैदानी क्षेत्र जिसमें अनफर्टाइल होता है, जिसमें भूमि के लिए सही नहीं होती मिट्टी। बालू के टिब्बे सिरसा के दक्षिण भाग से प्रारंभ होकर हिसार, सिरसा, भिवाणी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फतेहाबाद, ये हमारे दक्षिणी भाग है हरियाणा के। यहाँ पर ये निर्माण होता है बालू के टिब्बों का। किससे निर्माण होता है? राजस्थान से, राजस्थान राज्य से आने वाली जो बहुत ही हॉट और जो शुष्क पवन होती है, ड्राई जो एयर होती है, जो हमारी गर्म सूक्ष्म पवने होती हैं, इनके द्वारा निर्माण होता है बालू के टिब्बों का। इन टीलों के मध्य में ताल पाए जाते हैं। ताल मतलब एक गड्ढा सा पाया जाता है जिससे कि वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है उन ताल में। ताल बोला जाता है इनको, ठीक है। इन टीलों के मध्य एक ताल क्षेत्र पाया जाता है और वर्षा ऋतु में इन ताल में पानी भर जाता है, इसी को कहा जाता है ठूंठ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठूंठ किसे कहते हैं? तो गर्म शुष्क पवनों के द्वारा जो राजस्थान से आई हुई जो हवाएं होती हैं जिससे बालू के टिब्बों का निर्माण होता है और इन बालू के टिब्बों में एक ताल पाया जाता है। ये ताल जब बारिश आती है तो भर जाता है और जब पानी भर जाता है इनमें, इन्हें ठूंठ कहा जाता है। हमारा यहाँ पर सिक्स नंबर पे है मोस्ट इम्पोर्टेंट अरावली के मैदान। अरावली के जो मैदान है वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है ये मैदान। ये मैदान आपको उबड़ खाबड़ है, गुरुग्राम में जाओगे अरावली रेंज आप देख के आ सकते हो, राजस्थान में भी, गुजरात में जाके खत्म हो जाके। सबसे पुरानी है हरियाणा की, मैदान उबड़ खाबड़ है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अरावली मैदान का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? यहाँ पर महेंद्रगढ़ में जो नारनोल है तहसील, उसका कुलताजपुर जो गांव है वो सबसे ऊंचा गांव है अरावली मैदान का। मुख्य प्रवेश द्वार कहाँ से होता है अरावली रेंज का? तो ये होता है आपका गुरुग्राम से, ठीक है। गुरुग्राम से हम अरावली रेंज में एंटर कर जाते हैं। मैं आपको एक दो चीज और लिखवाऊंगी, सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं वो हमारे हरियाणा में कौन से राज्य में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से ताकि आपको ये याद रहे। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पर है और सबसे कम झाड़ियां कहाँ पे है? अगर मैं बात करूं सर्वाधिक झाड़ियां हरियाणा में कहाँ पर है तो वो है आपके गुरुग्राम में, और सबसे कम जो झाड़ियां है तो वो है आपके जींद में। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, सर्वाधिक जो झाड़ी है ये है हमारे गुरुग्राम में और सबसे कम जो है वो है हमारे जींद में, ठीक है जी। एक चीज और, स्थानीय भाषा में अरावली मैदान को मेवात की झाड़ियां कहा जाता है। अरावली मैदान का जो स्थानीय नाम है लोकल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो मेवात की पहाड़ियां कहा जाता है। अब अरावली मैदान के अंदर
या इस रेंज के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं अरावली के अंदर? सबसे पहले आता है आपका भिवानी जिला, इस रेंज में कह रही हूँ, अरावली के मैदान में। फिर आता है आपका महेंद्रगढ़, फिर आता है आपका रेवाड़ी, फिर आएगा आपका मेवाड़, फिर आएगा आपका चरखी दादरी, चंडीगढ़ नहीं है, चरखी दादरी है, फिर आएगा आपका गुरुग्राम और फिर आएगा आपका फरीदाबाद। ये अरावली के मैदान इन जिलों को कवर करता है। सर्वाधिक झाड़ियां गुरुग्राम में, सबसे कम जींद में। अरावली के जो मैदान है उनको स्थानीय भाषा में मेवात की पहाड़ी बोला जाता है और इसके अंदर भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवाड़, चरखी दादरी और आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको कवर करता है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पे आता है तरंगित बालू के मैदान, भालू नहीं, ये 7 नंबर पे तरंगित बालू मैदान। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो इम्पोर्टेंट है शिवालिक का मैदान, अरावली का मैदान, जलोढ़ मिट्टी, बाढ़ के मैदान, बालू के टिब्बे। तरंगित बालू मैदान जो है ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, ये हमारे हरियाणा के जो दक्षिण भाग है महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, उसमें है तरंगित बालू के मैदान। ये आपको इतना ही याद रखना है, महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया और रेवाड़ी हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट है आपका अनकाई दलदल। अनकाई दलदल के जो मैदान है वो कहां पर है? सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में, जिला है आपका सिरसा और दक्षिणी भाग में जो ढाल मंद हो जाती है, ढाल स्लोप मंद होने से जो जल का अवरोध होता है, मतलब अवरोध होता है डिस्ट्रक्शन, रुकावट जो होती है उससे निर्मित होते हैं, अवरोध से निर्मित होते हैं। सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में स्लोप के मंद होने से या कम होने से, डिस्क्लाइन होने से, ढाल के मंद होने से जल का जो अवरोध हो जाता है, जो डिस्ट्रक्शन, एक तो डिस्ट्रक्शन विनाश होता है, ये मैं दूसरा कहना चाह रही हूँ, अवरोध जो पैदा होता है उससे बनती है अनकाई दलदल। इसमें आपको ना लूनी ग्रस्त क्षेत्र मिलेंगे, लूनी ग्रस्त क्षेत्र जो होते हैं उनको रेहे या कल्लर नाम से बोला जाता है। लूनी आप सभी को पता है, नमक या फफूंदी या वाइट परत जम जाना, लूनी ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं उनको रेहे या कल्लर बोला जाता है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो आपको पता भी चला होगा, इन वर्ड्स को देखकर पूछ लेते हैं पूरी स्टेटमेंट। ये 8 भाग थे जो जसवीर सिंह ने मिट्टी के आधार पर हरियाणा को 8 भागों में बांटा और ये अलग अलग क्षेत्र में कहां, आपको ना ये वाली चीजें जो एक तो बालू के टिब्बे, करावली मैदान, शिवालिक मैदान, गिरिपात के मैदान और जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत अच्छे से करना, यहाँ की प्रमुख नदियां और जो ये मैंने इनके लोकल लैंग्वेज के नाम बताए वो बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, लूनी ग्रस्त क्षेत्र को रे कलर बोला जाता है, सर्वाधिक झाड़ियां, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो गाइज ये था हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक संरचना, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो इससे पहले हो चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।